यार एक माइनर माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा। कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलूगी, उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखनगियां। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय पर सोमवार रात को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से ब्लास्ट किया गया है। इस घटना में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिहाज से बड़ी घटना है। ये किसी बड़ी आतंकी हमले की शुरुआत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर नागपुर स्टेशन पर संदिग्ध बैग मिला है, इसमें जिलेटिन की 54 छड़े मिली हैं। पंजाब के मोहाली में पुलिस खुफिया विभाग के मुख्यालय पर करीब 7:45 पर ब्लास्ट हुआ। इस धमाके ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रिपोर्ट तलब की है। इस घटना में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो एक कार से दो संदिग्ध लोग आते देखे गए थे। इन लोगों ने करीब 80 मीटर दूर से रॉकेट से ग्रेनेड को दागा था। पुलिस खुफिया विभाग के मुख्यालय की बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर के फ्रंट साइड में ये धमाका हुआ, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने DGP से पूरे मामले की जानकारी ली। उधर घटना के बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। हमले के कुछ देर बाद मोहाली जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि ये आतंकवादी हमला नहीं है, ऑफिस में बम रखा था जो फट गया। वहीं अब इस मामले की जांच NIA भी करेगी। जांच एजेंसी की एंट्री होते ही पंजाब पुलिस के सुर बदल गए। मोहाली के SP रविंदर पाल ने कहा कि आतंकवादी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता, हम इसकी जांच कर रहे हैं। अगर इन बातों पर गौर करें तो ये घटना किसी बड़े आतंकवादी हमले की ओर इशारा करती है। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है, सारे हमारे सीनियर ऑफिसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जा रही है। केस की बात आ रही है, वो सारे वो गन टाइप से किया गया है। बाकी यार एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा, और कोई भी कैजुअल्टी नहीं, कोई अपना कोई लॉस नहीं हैगा, माइनर हैगा। बाकी सारिया सीनियर ऑफिसर और साडिया FSL टीमां मौके ते ने, सारी मुकदमा दर्ज करके। ब्लास्ट बाहर से किया गया है। खुफिया विभाग के मुख्यालय के बाहर के शीशे पूरी तरह चकनाचूर हो गए हैं, जबकि अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। घटना के पीछे मुख्यालय की बिल्डिंग को तबाह करने का मकसद हो सकता है। वहीं मुख्यालय की बिल्डिंग पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया है। इस तरह का ग्रेनेड आतंकवादी वारदात में ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस घटना को सामान्य ब्लास्ट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। हमलावरों ने पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। आमतौर पर आतंकवादी हमला भी सेना के कैंप या पुलिस हेडक्वार्टर पर या उसके आसपास ही होता है। इसके पीछे का मकसद ज्यादा से ज्यादा सरकारी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना होता है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ी हैं। पंजाब के तरन तारण में पुलिस को विस्फोटकों से भरी कार मिली है। इसके अलावा 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। ऐसे में इस घटना को आतंकियों के प्रयोग के तौर पर भी देखा जा सकता है। पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। ऐसे में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सीमा पार से भी मुहैया कराया जा सकता है। हमले के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर धमाके के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हमारे पुलिस बल पर यह हमला बेहद चिंताजनक है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात जिलेटिन से भरा बैग मिलने से हड़कंप मच गया। ये बैग स्टेशन के सामने पुलिस बूथ के पास मिला था। पुलिस ने जब डिटेक्टर की मदद से बैग खोला तो इसमें जिलेटिन की 54 जिंदा छड़ें मिली। बैग में जिलेटिन के साथ साथ पावर सर्किट भी था जो विस्फोट के काम आता है। पंजाब दा माहौल खराब करन दीआं कोशिशां जिहड़ियां देश के दुश्मनों वालों हुंदीआं रहिंदीआं ने, और पंजाब दा जिहड़ा भाईचारा है वो इन्ना मजबूत है कि उन्हां दीआं कोशिशां दे बावजूद उन्हां वो अपने इरादियां सफल नहीं हुंदे। कल रात जो मोहाली दे विच घटना हुई है, मैं DGP साहब नाल सारे इंटेलिजेंस के अफसर नाल मीटिंग ली है और सारा डिटेल जिहड़ी है वो निकल रही है, और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाणगियां,
जड़ां तक पहुंच जांगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहता तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की वह बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखनगियां कि असी पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सी, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। अज शाम तक काफ़ी कुछ क्लीयर हो जूगा। तो इंटैलीजेंसी के अफसर और पुलिस के अफसर जिहड़े ने वो इस गल ते लगे हुए ने, बड़ी जल्दी जिहड़ा दोषी जिहड़े ने सलाखां दे पिछे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।